लो जी मम्मी जी, तत्ती तत्ती चाय पियो। और थोड़ी जाहिल पने की आवाजें निकाल ले, तू यहाँ बिल्कुल दरिंदगी पे उतर आ, बिल्कुल खाने पीने से जो है विश्वास उठ जाए इंसान का। सॉरी। वाह, कितना सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई नहीं। अच्छा हुआ जो मैंने इनसे ये 10 तोले का हार बनवा लिया। टैक्सी, 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 आज मेरी किस्मत में टैक्सी नहीं। टैक्सी, टैक्सी, आ मेरा हार, चोर चोर, अब नहीं छोड़ेंगे। अरे सर, शूट है, शूट है। अरे गन फिर से भूल गए यार। अरे क्या कर, हम टॉयलेट ही नहीं जाएंगे अगली बार। हाथ टूट गए ललिता ललितपुर में। सर, अबे कहाँ गया ये गोपी? सर, सर मेरा सिक्स सेंस कहता है सर कि वो उस तरफ गया है। उस तरफ? लेट्स रन। गो बैक। अच्छा आप यहाँ तड़के लगा हैं कि तू चाय में नींद की गोलियां मिला देगा, मैं सो जाऊंगी और फिर तू निकलेगा हैं रातों का राजा। सॉरी 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 मम्मी जी, कहे जी आज जी लप्पी लूथरा का बर्थडे है जी, मैं उसको विश करने आया था जी। अगर मैं उसको विश ना करूँ जी वो डोंट माइंड कर जाती है जी, इसलिए विश करने आया था। इतने गुस्से वाली है जी, कई बार दोबारा टका भी देती है, बस सिर्फ विश करने आया था जी मैं तो यहाँ पे। क्या तू तू लप्पी लूथरा ने विश करने आया है? और मन ने लगा तू वो चोरी। अरे चोरी, मैं कितनी बार तो कह चुका हूँ मम्मी जी, मैंने जेबरों की चोरी नहीं की जी, मैंने नहीं की। मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड को लप्पी लूथरा, जानते हैं ना कितनी बार नाम ले लप्पी लूथरा। हाय हाय, लप्पी तुम्हारे बर्थडे पे एक हेयर पिन भी गिफ्ट ना करी मन्ने, लप्पी लूथरा के लिए मन्ने बेहोश किया। चल चल मैं लैप्स, अबे चल लैप्स। क्या बात कर रही है मैडम आप, ऐसे कैसे गोपी क्यों नहीं हो सकता, कैसे गोपी नहीं हो सकता मैडम? अरे मैं मेरी छोड़िए मैडम, सर ने अपनी खुद की कंचे जैसी आंखों से, मेरा मतलब है अपनी मेंढक जैसी आंखों से, मेरा मतलब है अपनी सुंदर आंखों से, अपनी खुद की सुंदर आंखों से सर ने देखा है कि वो चोर गोपी था मैडम, गोपी था। हमारी आंखों के बारे में उल्टा सीधा मत कहना। अरे सर
अरे मैं चौटाला यही था यार, आप हमारी बातों का यकीन करिए, यही था, हमने देखा ऐसे औरतों के पास जाकर उसके गहने छीनने वाला यही था। अरे यार मैं आप लोगों की बात का यकीन इसलिए ना कर रही हूँ क्योंकि जब आप लोगों ने गोपी को यानी कि जो भी था वो उसको गहना चुरा के भागते हुए देखा उस वक्त गोपी मारे सामने था, लप्पी लूथरा की बिल्डिंग के नीचे पकड़ा है इसे मैंने, मारे सामने साक्षात खड़ा था वो इन फ्लेश एंड ब्लड। या मॉम इज राइट इज द उस वक्त ही नाइट इज द सर, ऐसा कैसे हो सकता है मैडम, आप क्या कह रही हैं, हम क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ। माना झूठ कोई नहीं बोल रहा है मिस चौटाला, लेकिन हमारे यकीन करिए हमने अपनी आंखों से देखा यही था, ये गोपी था। अरे सर तो मैं भी कोई अपने कानों से तो देख के आई हूँ ना, मैंने भी अपनी आंखों से ही उसे देखा है वहां, इनफैक्ट मैं उसे लेकर भी आई हूँ वहां लप्पी लूथरा के घर के नीचे से। मैडम फिर तो ठीक है मैडम, फिर तो एक ही पॉसिबिलिटी है मैडम, या तो वो वाला जो गोपी था वो गोपी का हमशक्ल था, या फिर ये जो गोपी है ये गोपी का हमशक्ल है, ये हो सकता है। अब असली कौन है नकली कौन है ये हम नहीं जानते, आपको जानना होगा क्योंकि आप बहुत सालों से जानते हैं ना उसे, तो आप जरा चेक करके बताइए ये असली या नकली है। गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी। What is the problem is the? दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the? What is the matter is the? Can I send you letter is the? What is the name is the? कानपुर में ट्रैफिक जैम is the? What is the tension is the? मैं हूँ चौकी का माइकल जैक्सन is the? यो गोपी है। इतने भाईयात काफी है ये भी जोड़ सके। इसका मतलब कोई गोपी की शकल का है जो बाहर अभी भी खुला घूम रहा है लोगों के जेवर चुराता हुआ। यार गुलगुले काम करो, ललिता और ललितेश ने फिर से बोला एक बार, फिर वो ललिता ने जाना होगा जेवर पहन के सुनसान रास्ते से। ठीक है मैडम वो तो ठीक है, लेकिन अब तक वो डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो आनी बाकी है। अरे उसकी जरूरत नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए, पता चले रिपोर्ट में कुछ ऐसी बात हो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। करेक्ट है मैडम, करेक्ट है। अच्छा ठीक है आन दो रिपोर्ट, आन दो। मन्ने लगा था एक ही है बस दुनिया में भोंडी सगल का जो हमारी चौकी में है, मन्ने के पता था तीन चार और घूम रहे। क्या बे बिना बात के क्यों हंस रहे हो? सर बिना बात के नहीं सर, सर इस केस के सिलसिले में इतना टेंशन में आ गया था कि सर कल मैंने सर सब टीवी देखा और उसमें नए दो सीरियल शुरू हुए हैं सर। सर एक है आर के लक्ष्मण की दुनिया और दूसरा है चिड़ियाघर, दोनों कमाल के शो हैं सर। अच्छा कितने बजे आते हैं? सर वो चिड़ियाघर तो रात को 9 बजे आता है और दूसरा आर के लक्ष्मण की दुनिया 9:30 बजे सोमवार से शुक्रवार सब टीवी पर। वक्त मिलेगा तो जरूर देखेंगे पक्का। अरे सर देखिएगा जरूर सर प्लीज। ओके। कबाड़ी वाला कबाड़ी ओ जूना पुराना बंगार सामान दे दो, कबाड़ी कबाड़ी वाला डब्बा बाटली ओ जूना पुराना सामान दे दो भाई। सर आपसे कोई मिलने आया है? सर अबे हमसे कोई मिलने आने वाला था लेकिन कबाड़ी वाला नहीं। वैसे भैया तुम आ गए हो तो बताओ इसका ये गुलगुलिया कितना मिलेगा हमें? इनका बड़ा सस्ता है 70 पैसे किलो मिलेगा। ओ किसी ने बुलाया नहीं कबाड़ी वाले को, तुम जाओ यार चलो निकलो। अरे नहीं नहीं मैम साहब ने बुलाया ऊपर वाली। ऊपर रेंट पे तो नहीं थी? अब मैं हूँ नूरी, तमन्ना हो गई पूरी, लंच पे चले क्या? ना चलो ना उसमें क्या है। नूरी वैसे डॉक्टर साहब आने वाले थे ना वो कहाँ रह गए? यही तो है डॉक्टर साहब। एक मिनट आपको डॉक्टर साहब से बात करनी है, 1 सेकेंड। हेलो जेंटलमैन, कौन है कहाँ है किस तरफ है? अरे पेशेंट कहाँ है? नर्स खूबसूरत है। अरे डॉक्टर साहब आप पिछली बार तो चाय वाले थे अब ये भी, मतलब कमाल है डॉक्टर साहब कमाल है। डॉक्टर साहब आप वो हमें रिपोर्ट देने वाले थे गोपी की कि उसे वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है या नहीं है वो गोपी गोपी गो
या 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 आई डू रिमेंबर गोपी या जो काफी बूढ़े हैं अप्रोक्सीमेटली 160 इयर्स एज है उनकी. हाँ सर. हाँ मैंने उनका एक्सरे चेक किया और चेक करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि कबाड़ी कबाड़ी. अरे मैम साहब कुछ बंगर वगैरह दे दो. यस जेंटलमैन. तो मैंने उनका रिपोर्ट चेक किया है तो उसमें से मुझे ये पता चला कि वो बिल्कुल नॉर्मल है. वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बिल्कुल शिकार नहीं है. ठीक मेरी तरह. और चलो अभी हम चलते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में जो है ना काफ़ी नर्स वेट करी मेरा. मतलब काफ़ी पेशेंट जो है वो वेट करे मेरा. नर्स खूबसूरत है. लंच पे चलें क्या? तो मैंने कब मना किया? कम ना डार्लिंग कम आओ. कबाड़ी कबाड़ी. अरे मैम साहब है क्या कोई गिराक विराक? अरे देखो 50 पैसे दूंगा मैं. सर ये गोपी को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है. मतलब गोपी एकदम ठीक है. मतलब गोपी चोर नहीं है सर. और अगर गोपी चोर नहीं है तो एक ही शक्ल के दो लोग. कंफ्यूजन ना बिग कंफ्यूजन. चलो ये बात मैं चौटाला को इन्फॉर्म कर दो. और वो क्या उनका नाम ललिता और ललितेश उनको बुला लो. और मैं चौटाला ने जो प्लान बताया ना उस पर अमल करो. राइट सर. राइट राइट. लुट गई ललिता ललितपुर में. बताए दे रही हूँ भैया मैं किसी कीमत पे ना जाऊंगी ना जाऊंगी ना जाऊंगी. एक एक करके मैं सारे जेवर लुटवा चुकी हूँ. अब मैं ना जाऊंगी यहाँ. हजार बार समझाया कि वो मेरी मेहनत की कमाई है जिसको आप लोग चोर पकड़ने के चक्कर में लुटवा रहे. अरे चोर तो पकड़ में आ नहीं रहा और हमारे जेवर एक एक करके सब जा रहे. हजार बार समझाया है. सॉरी. और नहीं तो क्या? हर बार यही कह देते हो इस बार हम चोर को पकड़ लेंगे इस बार हम चोर को पकड़ लेंगे. लेकिन चोर है कि तुम्हारी पकड़ में आ ही नहीं रहा है. कभी वो भाग जाता है तो कभी खड़े खड़े उसका मुंह देखते रहते हैं. हाँ लुट गई ललिता ललितपुर में. देखिए आप दोनों मेरी बात सुनिए. अरे क्या सुने क्या सुने. हाँ हजार बार समझाया. एक बात बताओ आप लोग पुलिस के लिए काम करते हो या उस चोर के लिए? हाँ भैया मुझे बता ही दो क्योंकि एक एक करके मेरे सारे जेवर लुटवा दिए आपने उस चोर को. चोर कल मुए को मुंह नोच लूँ उसका. अरे अबे बहुत हो गया तुम दोनों का. बहुत सुना रही हो मेरे आदमी को. तुम दोनों उठो यहाँ से उठो. हैं बहुत खातिर जा रही होगी तुम दोनों की. हैं सही बात है सर. सही बात है. पकड़ लेंगे बोला ना पकड़ लेंगे. चोर को एक बार बोल दिया पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे. अब ये भी तो सोचोगे देखो अगर हमने चोर को पकड़ लिया तो सारे के सारे जेवर मिल जाएंगे और अगर नहीं पकड़ा तो एक ही और जेवर जाएगा ना. तो ठीक है ना. व्हाट इज देयर. हाँ ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो हमें मंजूर है. लेकिन सोच लो ये आखिरी चांस होगा क्योंकि इसके बाद मेरे पास कोई जेवर बचा ना है उस चोर को लुटवाने के लिए. हाँ बस यही कहती रहूंगी मैं हमेशा. लुट गई ललिता ललितपुर में. हजार बार समझाया. सॉरी. हाँ ठीक है पकड़ लेंगे. आज रात ठीक 12 बजे. अरे कितनी सुनसान सड़क. दूर दूर तक कोई नहीं. अच्छा किया जो मैंने उनसे 10 तोले का हार बनवा लिया. भागने की कोशिश मत करना समझे. अब तुम्हें हमारे शिकंजे से कोई नहीं बचा सकता. ये जाल हम नहीं बिछाया था तुझे पकड़ने के लिए. अब भागने की कोशिश बेकार है समझा. कमिश्नर साहब. अरे सर. सर. अबे तेरी. अबे. हैंड्स अप. उतर. गोली मार दूंगी मैं. मुझे माफ कर दो जी. मैं गोपी हूँ. मैं गोपी हूँ. अबे गोपी चुप. मैं चौटाला अच्छा पकड़ लिया आपने इसे. ये वही है गोपी का हमशक्ल. हाँ मैडम हमने इसे चोरी करते हुए अपनी आंखों से देखा और ये रहा चोरी का हार. नहीं नहीं ये तो मेरी मौसी जी का है. मैं सच कह रहा हूँ मैं गोपी हूँ. मैं गोपी हूँ. अच्छा. मुझे छोड़ दीजिए. तू गोपी है?
अच्छा तो गोपी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द वो दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज द क्या व्हाट इज द मैटर इज द मैं वो अपना कैन आई सेंड यू लेटर इज द व्हाट इज द टाइम इज द आई लाइक फ्रेश लाइम इज द टाइम 12:10 हुए हैं गुड टाइम राइट राइट टाइम तुम्हारे लिए ठीक नहीं है लेकिन गोपी गोपी है तू हाँ गोपी ओ माय गॉड ये था सब खेल इस दा मैं तो इसको भेजा जेल इस दा हम है लल्लू लकीरा और हमारे जीवन को तूने है बिखेरा सेंट लगा के क्यों किया बोल क्यों किया था ने वो सब मैडम जी इस गोपी ये गोपी जिसने हमको अरेस्ट किया था इसकी वजह से मैडम हम तीन साल हम जेल में रहे और 3 साल हम इससे बदला लेने के लिए प्लान करते रहे और उसी जेल में हमारे साथ एक कैदी था जो मांस बनाने में बड़ा एक्सपर्ट था सेंट लगा के और हाँ हम जेल से बाहर निकले तब हमने उससे इसके चेहरे का मांस बनवाया और इसकी आवाज का हमने अभ्यास किया और उसके बाद हमने चोरियां शुरू कर दी सेंट लगा के ताकि चोरी हम करें और जेल जाए ये गोपी सेंट लगा के 7 साल की सेंट लगेगी तेने समझा अरे मैडम हमको उसकी कोई परवाह नहीं है लेकिन गोपी तू याद रखना अगर हम 7 साल बाद लौट के आए ना तो हम अरे हम तेरी उई उई बंद कर देंगे सेंट लगा के अबे तू खड़े खड़े इसके डायलॉग गिन रहा है तू लेकिन 7 साल को अरे मैडम मैं अरेस्ट करूंगा तो 7 साल बाद मेरे पीछे पड़ जाएगा मैडम मैं नहीं अबे तो कौन अरेस्ट करेगा ऐसे हैं हम करेंगे ना अरेस्ट हम थोड़ी ना डरते किससे हम करेंगे अरेस्ट चलो भैया आराम से जरा नाराज ना होइएगा चलिए असली है हार तो दे दीजिए ध्यान रखना गोपी अबे चल बे चल 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 हाय लुट गई ललिता ललितपुर में अच्छा हुआ मैडम जो आपने इस चोर को पकड़ लिया अब वो सब तो ठीक है लेकिन मैडम हमारा 10 तोले का हार हमें कब मिलेगा 1000 बार समझाया हमने चोर पकड़ा गया है ना जेवर भी बरामद हो जाएंगे फिलहाल ही लो एंजॉय थैंक यू मैडम थैंक यू सो मच 1000 बार समझाया चल वेल मॉम थैंक यू वेरी मच इज द तुसी ग्रेट हो ये है सच इज द चल गोपी आज सारी नाइट ड्यूटी है वापस जोर शोर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले वेलकम बैक कैज मैं रात की ड्यूटी नहीं कर सकता जी और कल मैं लप्पी लूथरा को मिलने गया जी विश करने कल बर्थडे था ना आप मुझे वापस ले आई थी चौकी में आज उसके घर में पार्टी है जी मैं उसको विश करने चला जाऊं जी कैरी ऑन